हे दोस्तों, आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। फेसबुक, गूगल स्लैश यूट्यूब या HUL, इन तीनों कंपनीज में से सबसे ज्यादा रीच किस कंपनी की है इंडिया में? अगर आपने पहले दो ऑप्शन चूज करे हैं, आपको लगता है वो सही है, तो आप लोग कुछ धमाकेदार इंसाइट्स बताता हूँ। आपको पता है HUL का ये क्लेम है कि हर 10 इंडियन घर में से 9 इंडियन घरों में इनके प्रोडक्ट यूज होते हैं, और ये क्लेम मुझे कहीं ना कहीं सही लगता है। आपने भी इनके कई सारे प्रोडक्ट तो यूज किए ही होंगे, जैसे कि लैक्मे, लाइफ बॉय, डव, क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम, ब्रुक बॉन्ड, अन्नपूर्णा नमक, ब्रू, क्लिनिक प्लस, पेप्सोडेंट, सर्फ एक्सेल, फैर एंड लवली जो अब ग्लो एंड लवली हो गया है, हॉर्लिक्स, लिप्टन और ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से मुझे तो लगता है यार मैंने ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स कभी ना कभी तो यूज़ करे ही है। आप कमेंट करके बताना कि आपने इनमें से कितने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। अब देखो, HUL क्लेम करता है कि वो हर 10 में से 9 घरों में है, और इसके ऊपर मैंने ChatGPT से थोड़ा और रिसर्च करके मालूमात भी करने की कोशिश करी कि ये कितना होगा नंबर्स में। सरप्राइजिंगली फेसबुक गूगल से एटलीस्ट इंडिया में इसके नंबर्स काफी ज्यादा थे। आप बोल सकते हो बिलियन से ज्यादा लोगों तक इनके प्रोडक्ट पहुंचे हैं, और ये तो बस शुरुआत है। आपको कुछ और धमाकेदार इंसाइट्स बताता हूं। 1958 में HUL जो है ना कंपनी, उसका पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ रुपए का था, और 2019 तक इनका जो प्रॉफिट था वो ग्रो हो चुका था 6,080 करोड़ रुपीज तक, मतलब 15% का एनुअल ग्रोथ रेट। अब यही सेम टाइम पर अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात करो तो वो 1400 टाइम्स ग्रो हुई है, बट वहीं दूसरी तरफ HUL का प्रॉफिट है ना वो 6000 टाइम्स ग्रो हुआ है। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस HUL की बहुत ज्यादा फाड़ू रही है। इसका जो ROCE होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो 92% है, जो कि हाईएस्ट है इंडिया का। और लास्ट डेकेड में ही HUL ने अपने शेयर होल्डर्स को 23% के एनुअल रिटर्न्स दिए हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये कि $60 बिलियन से ज्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब मैं आपको इतने सारे इंटरेस्टिंग बातें क्यों बता रहा हूँ HUL से रिलेटेड, बिकॉज सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है ना कि HUL को द CEO फैक्ट्री बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी में जो भी लोग काम करते हैं वो आगे जाके बहुत बार बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO बन जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल वायाकॉम, BMW, नेस्ले से Diageo, एयरटेल से हिंडालको, डीमार्ट से रेमंड तक। लगभग 400 HUL के जो एलुमिनी है ना, वो लोग ऐसी अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज के टॉप एग्जीक्यूटिव्स बने हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, HUL का जो इन्फ्लुएंस है ना वो गवर्नमेंट सर्कल में भी बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए कई सारे पास्ट चेयरमैन इस कंपनी के पद्म विभूषण ऐसे अवार्ड्स भी उनको मिले हैं। अब क्वेश्चन आता है कि यार ऐसा क्या करते हैं HUL वाले जो इतने अच्छे बड़े बड़े लीडर्स यहाँ से निकलते हैं। वेल, एक बहुत ही अमेजिंग बुक है द CEO फैक्ट्री, जो सुधीर सीतापति जी ने लिखी है, जो खुद गोदरेज के CEO है। उन्होंने ही 1999 में HUL को एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन करा था। उन्होंने अपनी जिंदगी के 22 साल इस कंपनी में काम करा और कई सारी अंदर की बातें, इनसाइट्स यहाँ पे सीखी, कई सारे सीक्रेट सीखे हैं जिसकी वजह से HUL इतना बड़ा बन पाया है, या फिर आप बोल सकते हो CEO फैक्ट्री बनी है। उन्होंने सीखा है कि कैसे HUL में जो काम करते हैं उन्हें ट्रेन किया जाता है, उनकी साइकोलॉजी को कैसे डेवलप करा जाता है, कौन से टाइप की ट्रेनिंग्स और प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा वहां पे फॉलो की जाती है, जिस वजह से ही ये कंपनी इतने ज्यादा अच्छे अच्छे लीडर्स पैदा कर रही है और खुद भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आज मैं आपको इसी ऑथर की इसी अमेजिंग बुक के 5 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करने वाला हूं, जो बड़े बड़े MBA स्कूल्स में भी सिखाए जाते हैं, उनके ऊपर केस स्टडी की जाती है, वही सारी बातें आज आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। हाय, मेरा नाम है जीशान, आज आपको सिखाने वाला हूँ 5 लेसन है MGTWR। ये क्या है? वेल, एम स्टैंड करता है यहाँ पे सबसे पहले लेसन के लिए, जिसे बोलते हैं मिडिल क्लास मैनेजमेंट। हरीश मनवानी, जिन्होंने HUL में अराउंड 42 ईयर्स काम किया है, जिसमें से 13 साल वो HUL के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। अब वो जब 2018 में रिटायरमेंट ले रहे थे, तब उन्होंने अपनी आखिरी स्पीच में HUL की 5 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी जो वो बोलते हैं ना कि इस कंपनी के 5 पिलर्स हैं, और यही वो कोर वैल्यूज है जो HUL को इतना बड़ा बनाती है और इनके एम्प्लॉयज को भी इतना अच्छा लीडर। क्या है वो 5 पिलर्स? वेल, उसमें से पहला पिलर है अ मिडिल क्लास सोल। वो बोलते हैं ना कि यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय काम करता है ना, उसके अंदर आपको एक मिडिल क्लास इंसान जरूर दिखेगा। और यहाँ पे वो नेगेटिवली नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इसे एक पॉजिटिव सेंस में बता रहे हैं। क्योंकि देखो, मिडिल क्लास पर्सन कैसा होता है? हार्ड वर्किंग, मतलब बहुत मेहनत करता है। फ्रूगल, मतलब अपनी पाई पाई बचाने की कोशिश करता है। एस्पिरेशनल, मतलब जिसके सपने बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। प्लस वो हम्बल भी होता है। यही सारी क्वालिटीज HUL अपने वर्क कल्चर में अडेप्ट करता है। हरीश जी बताते हैं कि जब वो ट्रैवल कर रहे थे, तब वो लग्जरी होटल्स में रह तो सकते थे, बट वो चूज करते थे कि वो ऐसी जगह रहे जहां पे ज्यादा खर्चा ना हो। कॉस्ट कॉन्शियसनेस अप्रोच होना, ये चीज है ना उनके कंपनी कल्चर में, जो बहुत काम आती है। कैसे एग्जैक्टली, वो आपको आगे मालूम पड़ेगा। अब आते हैं सेकंड पिलर पे, जिसे वो बोलते हैं मेरिटोक्रेसी। HUL में हमेशा से मेरिटोक्रेसी को फॉलो करा जाता है। अब यहाँ पे मेरिटोक्रेसी का मतलब मार्क्स या डिग्री की बात नहीं हो रही है, बल्कि इंडिविजुअल की इतनी एबिलिटी है, इसके बेसिस पे वहाँ लोगों को हायर किया जाता है। कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉयज की प्रमोशन भी उनके हार्डवर्क और एक्सपीरियंस के बेसिस पे होती है।
और यहाँ का कल्चर ऐसा है कि वो लोग कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एक दूसरे से नहीं करते हैं, पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि वो लोग एक नर्चरिंग और सपोर्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिसे एक्चुअल में वेलबींग फ्रेमवर्क बोला जाता है, जो वो फॉलो करते हैं, जहाँ एम्प्लॉयज के चार चीज़ों पर फोकस किया जाता है, उनका पर्पस, उनका मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट और फिजिकल हेल्थ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो लोग डिस्कवर योर पर्पस ऐसे वर्कशॉप्स करते हैं, एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम EAP और हेल्दियर यू जैसे प्रोग्राम वो रन करते रहते हैं, ताकि अगर एम्प्लॉयज को मेंटल या इमोशनल चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो उसे हैंडल कर पाए। ये है सेकंड पिलर। थर्ड पिलर आता है कंफर्टेबल इन लखीमपुर टू लंदन। एक्चुअल में जो काम करते हैं ना, उन्हें इस तरह ट्रेन करा जाता है कि वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को भी इजीली अडैप्ट कर सकते हैं। यहाँ हर एक एम्प्लॉय रूरल इंडिया सेटिंग से लेकर ग्लोबल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट तक सबको हैंडल कर सकता है, ऐसा वो ट्रेनिंग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लखीमपुर में भी अगर किसी को पोस्टिंग हुई है तो उसे वहाँ की सादगी भी झेलने आना चाहिए, थोड़ी परेशानी तो वो भी झेलने आना चाहिए। अगर किसी को लंदन भेज दिया जाए एक टॉप एनवायरनमेंट में, तो वो चीज़ भी उसे हैंडल करने आनी चाहिए। इनफैक्ट आपको पता है, मैनेजमेंट है ना, ट्रेनीज को कई बार रूरल इंडिया में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए बोलता है, ताकि उनको ग्राउंड रियलिटी ज़्यादा समझ में आए, जो उनके आइडियल कस्टमर्स की है, उनको नॉलेज मिले, लोकल कम्युनिटीज के साथ वो डीपली कनेक्ट कर पाए। और ये सारी चीज़ों के लिए अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वहाँ के लीडर्स को सिखाया जाता है। फोर्थ पिलर आता है द एंटरप्रेन्योर प्रोफेशनल। एक्चुअल में एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट करने के बजाय उन्हें एक एंटरप्रेन्योर की तरह ट्रीट करने पर फोकस किया जाता है। यहाँ लोग सिर्फ वो नहीं करते जो उन्हें कहा जाता है, बल्कि उन्हें डिसीजन लेने की फ्रीडम दी जाती है, जिसे वो अपने एक्शंस की ओनरशिप ले सके, कुछ गलती करे तो खुद से गलती से सीखे और आगे बढ़े, बेसिकली एक प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेटिव माइंडसेट डेवलप कर सके, वो ऐसे काम करे जैसे वो खुद का कोई स्टार्टअप चला रहे हो। और लास्ट फिफ्थ पिलर आता है अनचेंजिंग वैल्यू सिस्टम, जिसके अंदर चार चीज़ें आती है, इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पाइनियरिंग। जब भी कोई HUL ज्वाइन करता है तो वे चार कोर वैल्यूज उनके ज्वाइनिंग लेटर के साथ उन्हें मिलते हैं। कंपनी के कोर वैल्यूज बड़े से बड़े और छोटे से डिसीजन लेने में उनकी मदद करती है। नाउ बैक टू हरीश। हरीश जी बोलते हैं ना कि ये पांच जो पिलर्स है जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ें बताई है, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिसकी वजह से ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। बस याद रखो, समराइज करने के लिए बताऊँ तो, पहला, अपने मिडिल क्लास सोल को जिंदा रखो, फ्रुगैलिटी पे विश्वास रखो, अपनी एबिलिटीज पे फोकस करो, मार्क्स से ज़्यादा कितनी आपकी स्किल्स है, अच्छी स्किल्स है, उस पर फोकस करना है। फिर अडेप्टेबल होना है, कैसे भी सिचुएशन आ जाए अच्छे से अच्छी और बुरी से बुरी सिचुएशन में हैंडल करने आना चाहिए, प्लस एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना चाहिए, और लास्ट वैल्यूज होनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में, और हमें अपने वैल्यू से कभी अलग काम नहीं करना चाहिए। ये था MGTYR का M। अब आते हैं G पे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, गेट द प्रोडक्ट राइट द ब्रांड विल फॉलो। 1999 में जब ऑथर एक मैनेजमेंट ट्रेनी थे, उन्हें मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन कटनी में भेजा गया था, जहाँ किसान जाम के सैचे लॉन्च करे जा रहे थे। ना उनके साथ सेल्स ऑफिसर मिश्रा जी थे। उन्होंने क्या देखा कि जो मिश्रा जी है ना, वो हर एक दुकान पे जाके एक किसान जैम का सैशे लेते थे, आधा खुद खाते थे और आधा उस दुकानदार को खिलाते थे, और उससे पूछते थे कि बताओ भैया, मीठी चटनी से ज़्यादा मीठा है कि नहीं है। ना ऑथर ने मिश्रा जी से पूछा कि आप बार बार दुकान पे जाके ये ऐसा क्यों कर रहे हो। तब मिश्रा जी ने उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन बताया कि देखो कि प्रोडक्ट को ना कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशन को मीट करने आना चाहिए, और जब तक ये नहीं होगा प्रोडक्ट हिट नहीं होगा। बाकी सब चीज़ें ठीक की जा सकती है, लेकिन प्रोडक्ट का जो बेसिक पर्पज़ है ना, उसके अंदर वो खरा उतरना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल डालडा जो है वो घी की तरह टेस्ट करना चाहिए, किसान केचप नॉर्मल टमाटर की चटनी से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, और वहीं जैम की बात करें तो वो मीठी चटनी से अच्छी होनी चाहिए। किसी चीज़ को तो वो रिप्लेस करना चाहिए, तभी तो लोग उसे खरीदेंगे। एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट अगर हम बनाएं, वो भी बेटर रिप्लेसमेंट, तभी लोग स्विच करेंगे। और यहाँ पर मिश्रा जी ने एक बात कही, गेट द प्रोडक्ट राइट एंड द रेस्ट विल फॉलो, जो बात एकदम सच है। GMTYR, इसमें जी स्टैंड करता है गेट द प्रोडक्ट राइट एंड द ब्रांड विल फॉलो। ना ये बात एकदम सही है। ऑथर बताते हैं ना कि एक्चुअल के जो ज़्यादातर प्रोडक्ट है ना, वो सक्सेसफुल उनकी मार्केटिंग की वजह से नहीं है। हाँ, उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, वो मानते हैं, पर उससे पहले कोर रीज़न है उनका प्रोडक्ट। और इसके लिए वो नारियल और पानी का एग्जाम्पल देते हैं। वो बोलते हैं ना, मार्केटिंग जो होती है ना, वो नारियल पानी की तरह होती है, जहाँ नारियल का शेप कैसा है, वो कितना हरा है, उसका साइज कितना बड़ा है, वो कितना भारी है, ये सब चीज़ें देख के आप एक गेस कर सकते हो कि शायद इसमें ज़्यादा पानी होगा। लेकिन आप कन्फर्मेशन आपको कब मिलेगी, जब एक्चुअल में नारियल कटेगा, उसमें से पानी निकलेगा और आप पियोगे। कई बार ऐसा होता है, नारियल ऊपर ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखता है, भारी भी लगता है, बट उसमें पानी नहीं निकलता। और जब भी किसी प्रोडक्ट के साथ ऐसा कुछ होता है, वो प्रोडक्ट भी इतना नहीं चलता है। इसलिए ध्यान रखो कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, उसकी आप चाहे कितनी भी मार्केटिंग कर लो, कितनी भी टेक्टिक्स यूज़ कर लो, कितने भी बड़े बड़े प्रोमिसेस कर लो, जब तक आप कस्टमर की बेसिक नीड को नहीं समझोगे और उसे फुलफिल नहीं करोगे, तब तक आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं टिकेगा।
इसके लिए एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी भी है। डॉक्टर विभव जो कि HUL के R&D हेड रहे हैं, उन्होंने जब डिस्कवर करा कि नियासिनामाइड जो कि एक फॉर्म ऑफ विटामिन B3 है, उससे स्किन की जो पिगमेंटेशन है ना वो कम होती है। बेसिकली वो हमारी स्किन को एक लाइटर टोन देता है। इसी डिस्कवरी से बना फेयर एंड लवली। अब देखो हमारे देश में ना गोरी चमड़ी को लेकर ना बहुत ज्यादा फैसिनेशन है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो लोग गोरे हो जाए, तो मतलब मार्केट बहुत बड़ा था इस चीज के लिए। इसीलिए इस प्रोडक्ट की नीड बहुत थी, इसीलिए मार्केट में जैसे ही इसे लॉन्च किया गया कुछ टाइम में ही ये ब्लॉकबस्टर निकला। आइडिया बड़ा ही सिंपल सा था लेकिन इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि ये एक नीड को पूरा कर रहा था जो था गोरा होना। जिसकी वजह से फिर जब बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग करी गई तो ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा हिट हो गया। इस अकेले प्रोडक्ट ने 2,000 करोड़ से ज्यादा की सेल्स जनरेट करी है HUL के लिए, और ये टॉप 5 प्रोडक्ट ऑफ HUL बन गया। बट फिर देखो एक और चीज हुई। आपको पता है कुछ टाइम पहले फेयर एंड लवली के ऊपर काफी कंट्रोवर्सी होना स्टार्ट हो गई कि यार हम लोग ब्लैक एंड ब्यूटीफुल क्यों नहीं हो सकते, फेयर एंड लवली होना क्यों जरूरी है। और ऑडियंस थोड़ी मैच्योर होना स्टार्ट हो गई, तो उन्होंने ये चीजें बोलना चालू करी, सोशल मीडिया पर काफी बवाल हुआ, जिसके वजह से आपको पता होगा फेयर एंड लवली अब ग्लो एंड लवली बन गया है। अब आपको लगा होगा कि यार इतना सब कलेश हुआ, इतना सारा प्रॉब्लम हुआ, इतनी आवाजें उठाई गई, अब तो सेल्स कम हो गई होगी। बट बात यह है ना कि इनकी सेल्स पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। आज भी ग्लो एंड लवली काफी अच्छे तरीके से बिकता है, काफी मार्केट में थोड़ा नाम खराब होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये प्रोडक्ट जो है ना उसकी नीड है लोगों को। लोगों के अंदर आज भी वो ऑब्सेशन है कि उन्हें गोरा होना है, इसलिए वो लोग ये चीज़ें यूज भी करते हैं। प्रोडक्ट अपने आप में सॉलिड होना चाहिए। सो बात यही है, जब तक गोरा होने की डिमांड रहती रहेगी तब तक क्रीम बिकती रहेगी। आपने सुना होगा ना मार्केटिंग में भी 4 P's होते हैं। क्या होते हैं वो 4 P's? पहला होता है प्रोडक्ट, फिर आता है प्राइस, फिर आता है प्लेस, और फिर आता है प्रमोशन। यानी आपका प्रोडक्ट क्या है, वो किस प्राइस पे है, किस जगह पे उसको बेचने वाले हो आप, यानी किधर पे कौन लोग उसको खरीदेंगे, फिर आता है प्रमोशन कि आप उसको प्रमोट कैसे करोगे। प्रमोशन सबसे एंड में आता है, इसलिए आपका भी जो प्राइमरी फोकस है ना वो प्रोडक्ट पे होना चाहिए हमेशा, और ये चीज़ पे HUL काफ़ी फोकस करता है। अब ऑब्वियसली ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करना ईजी नहीं है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए। प्रोडक्ट प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंटरी, और ऑब्वियसली आपके लिए अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर बनना चाहते हो, लीडर बनना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें आपके लिए करना मुश्किल हो सकती है। बट इसका भी एक सोल्यूशन है। ट्रांजेक्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस ग्रोथ में आपकी काफी मदद करेगा। ये इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत ही इजी टू यूज सॉफ्टवेयर माना जाता है, विद सम अमेजिंग फीचर्स जो आपका ऑल इन वन सॉल्यूशन प्लेस बन सकता है। और इसे स्पेसिफिकली इंडियन SME मैन्युफैक्चरर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें आपको मिलेगा सेल्स, परचेज, इन्वेंटरी, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग के लिए कस्टमाइज ऑटोमेशंस। इसे IIT IIM ग्रेजुएट्स ने स्पेशली डिजाइन किया है, जो आपको एक्यूरेट और रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है, जो आपके बिजनेस के अलग अलग सेगमेंट्स के लिए और सही डायरेक्शन में ग्रो करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है ना, यहाँ पे टैली और एक्सेल इंटीग्रेशन भी साथ में आता है, जिससे आपका डेटा मैनेजमेंट और एनालिसिस भी बहुत ईजी हो जाता है। नाउ ट्रांजेक्ट सॉल्व करता है 5 मेजर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो अक्सर SME मैन्युफैक्चरर्स को फेस करना पड़ता है, जैसे कि इन्वेंट्री ट्रैकिंग, उसमें कई बार डिफिकल्टी होती है, परचेज, सेल्स, इंक्वायरी मैनेजमेंट, डेड स्टॉक हैंडल करना, मैनुअल वर्क और मैनुअल बिजनेस रिपोर्ट्स में एरर, और तो और कम समय में बिजनेस ग्रो करने का प्रेशर। ट्रांजेक्ट इन सभी प्रॉब्लम्स को छुटकियों में सॉल्व कर देता है। और एक और बात, ट्रांजेक्ट को इंप्लीमेंट करना भी बहुत ईजी है। सिर्फ 14 डेज में आप इसको अपने बिजनेस में इंटीग्रेट कर सकते हो, और आपको सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से कोऑर्डिनेट करना होता है, यानी कन्फ्यूजन की भी कोई जगह नहीं होगी। ट्रांजेक्ट टीम एंश्योर करती है कि आपकी टीम हर इम्प्लीमेंटेशन सेशन अटेंड करे, और आपको 24/7 चैट सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। तो अगर आप एक स्मॉल या मीडियम मैन्युफैक्चरर हो जो अपने बिजनेस को एक नई डायमेंशन देना चाहता है, तो ट्रांजेक्ट आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके ट्रांजेक्ट को चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं चलो वापिस से टी पे, द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्राइसिंग। फरवरी 2000 में ऑथर ग्वालियर के एक होलसेल मार्केट में गए थे, जहां उन्होंने क्या देखा कि लाइफ बॉय, लक्स, ये सारे जो सोप्स है ना उनके, वो हैवी डिस्काउंट पे बिक रहे हैं। उन्होंने अपने सेल्स इंचार्ज चंदू जोशी जो थे, उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है, हमारे इतने सारे प्रोडक्ट्स को इतने सस्ते में ये दुकानदार क्यों बेच रहे हैं ना। उन्होंने तब समझाया कि ना अभी एनुअल बजट में सिगरेट के ऊपर का जो टैक्स हाइक है वो अनाउंस किया गया है, तो ये सारे होलसेलर्स जो है ना वो सारे सोप्स को घाटे में बेच रहे हैं, ताकि टैक्स इंप्लीमेंट होने से पहले वो ज्यादा से ज्यादा ITC की सिगरेट्स को स्टॉकअप कर पाए, मतलब बेसिकली सस्ते में खरीद पाए, बिकॉज बाद में वो महंगे होने वाले हैं। अब इसके ऊपर उन्होंने पूछा कि इससे तो हमारे ब्रांड पर असर पड़ सकता है बराबर। चंदू जी ने कहा कि हाँ पड़ेगा ना, बहुत फर्क पड़ेगा। कस्टमर अभी सस्ते में खरीदेंगे, फिर वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उन्हें बाद में भी ये सस्ते में मिले। तब ऑथर ने कहा कि एक तरह से देखा जाए तो ये भी सही है ना, सस्ते दाम पे अगर लोग खरीदेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, और फिर अगर उनको प्रोडक्ट की आदत हो गई तो फिर वो लोग बाद में खरीदेंगे। तब चंदू जी ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। डिस्काउंटिंग प्राइसेस में नए कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, लोगों को लगता है कि अभी सस्ते में बेचते हैं, इसके बाद लोगों को महंगे में बेचना चालू करेंगे, तो वो हमारे लॉयल कस्टमर्स बनके हमारा प्रोडक्ट ही लेते रहेंगे।
फॉर्मर एचयूएल चेयरमैन विंदी बांगा बताते हैं कि आपके प्रोडक्ट का जो ग्रॉस मार्जिन है ना, वो उसकी लाइफ के थ्रू आउट सेम ही रहता है। कंज्यूमर्स आपके ब्रांड इसलिए पिक करते हैं क्योंकि वो उसकी परसीव्ड क्वालिटी को उसके प्राइस से कनेक्ट करते हैं। मतलब अगर आप प्राइसेस में जरा भी छेड़छाड़ कर देते हो तो उसकी परसीव्ड क्वालिटी भी अफेक्ट हो जाती है। इसके लिए एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल भी है एचयूएल का, व्हील ब्लू डिटर्जेंट बार। इसे निर्मा की प्राइसिंग से कम्पीट करने के लिए जीरो ग्रॉस मार्जिन के साथ लॉन्च करा गया, इस होप में कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ा दिए जाएंगे। अभी इसी प्राइस पे लॉन्च करते हैं, लोगों को समझने देते हैं कि इतनी अच्छी क्वालिटी है और फिर जब उनको आदत हो जाएगी तो हमारा ही खरीदेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही उन्होंने अपने व्हील के प्राइस बढ़ाना स्टार्ट किए, वापस से लोग निर्मा यूज करने लग गए। इसका एक और एग्जांपल है, ऑथर जब बिहार के छोटे से गांव में गए थे तो उन्होंने देखा कि 20 रुपए का डव सोप मिल रहा है। जब इन्होंने लॉन्च किया था तो उन्होंने ऐसा प्रीमियम प्रोडक्ट इसे लॉन्च नहीं करा था, लेकिन उन्होंने देखा कि गांव में ना जब फैमिली फंक्शन होता है, शादी होती है, तो 20 रुपए वाला डव लोग यूज करते हैं, तब नॉर्मल लोग सोप से नहीं नहाते। इनफैक्ट डेटा भी यही बताता है कि 73% डव के जो यूजर्स है वो लो इनकम कंज्यूमर है। बेसिकली आधी से ज्यादा सेल्स यहीं से आ रही है। अब सिर्फ ये डेटा देख के अगर आप सोचने जाओगे तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि चलो इस सोप के प्राइस को कम कर देना चाहिए ताकि लो इनकम कंज्यूमर और इसे खरीद सके। अब इससे सेल्स जरूर बढ़ जाएगी कुछ टाइम के लिए, बट फिर डव डेली यूज का हिस्सा बन जाएगा, वो उसके अंदर वो खास बात नहीं रहेगी शादी फंक्शन में यूज करने वाली। इसलिए कंज्यूमर का बिहेवियर काफी इंपॉर्टेंट होता है। हमारा प्रोडक्ट किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है, उसकी मार्केट में परसीव्ड वैल्यू क्या है, वो चीज समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी रिसेंटली का भी आप एग्जांपल देखो, जियो ने स्टार्टिंग में फ्री में और बहुत ही सस्ते में इंटरनेट प्लान्स रखे, लोगों को बहुत मजा आया, लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया। बट अब प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आपने ट्विटर पे सुना ही होगा जियो बॉयकॉट चल रहा है, BSNL की घर वापसी और ऐसे कई सारे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। बात यह है ना कि अभी एयरटेल और बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स ने भी प्राइस को हाइक कर दिया है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है ना कि आपकी प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपके प्रोडक्ट के साथ हैंड इन हैंड चलती है। कई सारे बड़े बड़े ब्रांड्स 1-1 रुपए के भी सैशे बेचते हैं, इनमें ना कई बार ब्रांड को लॉस होता है ये प्रोडक्ट 1-1 रुपए में बेच के, बट उनको मालूम है कि आज एक इंसान जो सैशे खरीद रहा है कल वो जाके ना इसी चीज की बॉटल भी खरीदेगा और वहां पर उनका प्रॉफिट होगा। इसलिए ऑथर भी बोलते हैं ना कि अगर आपको अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है तो आपको प्राइस बढ़ाने पर फोकस नहीं करना चाहिए ज्यादा या कम करना, बल्कि आपको अपनी परसीव्ड वैल्यू बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। प्राइस आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, वो कंज्यूमर ही डिसाइड करेगा। अगर उसे लगेगा कि आपका प्रोडक्ट और प्राइस जस्टिफाइड है तो वो खरीदेगा, नहीं खरीदेगा तो मतलब प्राइसिंग में कुछ इश्यू है। बस प्राइस रखने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अपने प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट ये सब देखो, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट है कंज्यूमर को समझो कि वो कितने में खरीदना चाहता है और उससे आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। अब आते हैं W पे, वाई सेल्स इज नॉट अ रेवेन्यू फंक्शन। श्री नंदन सुंदराम HUL के सेल्स डायरेक्टर ने कहा था, सेल्स एक कॉस्ट सेंटर है, रेवेन्यू सेंटर नहीं। इसका मतलब क्या है? मतलब है ना कि सेल्स का काम बस डिमांड फुलफिल करना है, रेवेन्यू जनरेट करना नहीं। अगर डिमांड है तो सेल्स होगी, अगर डिमांड नहीं है तो सेल्स नहीं होगी। इसलिए ये भूल जाओ कि आपको सेल्स से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बल्कि ऐसा सोचो कि हर एक इंसान जो आपको प्रोडक्ट खरीद रहा है ना, वो बदले में आपको पैसे नहीं बल्कि एक ब्रांड इमेज दे रहा है। जब आप अपना सारा ध्यान हाई मार्जिन से प्रॉफिट कमाने से हटके ब्रांड बिल्डिंग पे लगाते हो, मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट को कम मार्जिन के साथ भी बेच लेते हो, तो आप ज्यादा कमा लेते हो। लेकिन एक एवरेज इंसान इसका एग्जैक्टली उल्टा सोचता है। एग्जाम्पल, रामू काका जो कि 30 रुपए की ऑर्गेनिक हेयर ऑयल सेल कर रहे हैं समझो, जिसपे सारे कॉस्ट हटा के उनको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब वो सोचेंगे कि अगर मेरा प्रोडक्ट 10,000 कंज्यूमर तक भी टारगेट करूं तो मेरी महीने की सेल्स 3 लाख हो जाएगी और प्रॉफिट 1 लाख होगा। बट वो ही नहीं सोच पाएगा कि इन 10,000 कस्टमर्स को लाना कितना मुश्किल होगा। अगर वो गोल बना लेगा कि यार मेरे को 1 लाख कमाना है, वो क्या करेगा, एक गोल बना लेगा कि मुझे 10,000 कस्टमर्स तक कैसे भी पहुंचना है। सेल्स टीम को डांटेगा, लड़ेगा, फ्रस्ट्रेट होगा और फिर उनका पूरा फोकस सेल्स और रेवेन्यू पर चले जाएगा, ब्रांड और वैल्यू पर नहीं। ऐसे ही कुछ हुआ था HUL के नॉर के साथ भी, ब्लेंडेड मसालों के साथ, जहां एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद भी प्रोडक्ट बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि उस प्रोडक्ट की कोई ब्रांड अपील नहीं थी, कोई उस प्रोडक्ट को खरीदना नहीं चाहता था। जब HUL ने अपनी इस फेलियर को स्टडी करा तो उन्हें पता चला कि इस प्रोडक्ट के फेल होने के पीछे रीजन था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस प्रोडक्ट से बड़ा लॉस हो रहा था। अगर सिर्फ मार्जिन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को 30% मार्जिन मिल रहा था, बट उनके जो स्टॉक्स थे वो 3-3 महीने तक शेल्फ पे थे। प्रोफेसर MN वोरा कहते हैं कि बिजनेस की सक्सेस मार्जिन से ज्यादा स्टॉक रोटेशन पर डिपेंड करती है। एक दुकान वाला बंदा जो अपना सारा स्टॉक डेली सिर्फ 1% मार्जिन पे सेल कर देता है, वो उस हाई स्ट्रीट स्टोर से ज्यादा कमाता है जिसका प्रॉफिट मार्जिन 30% है, लेकिन 3-3 महीने तक उसके प्रोडक्ट ही नहीं बिकते हैं। अब यहाँ से लेसन एक और इंटरेस्टिंग यही निकल सकता है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम कर रहे हो लोग, या फिर किसी एफिलिएट्स या दूसरों के साथ मिलकर काम कर रहे हो, तो सिर्फ ये मत सोचो कि आपको कितना मार्जिन मिलेगा, ये भी सोचना स्टार्ट करो कि उनको आपके प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट होगा। HUL के मैनेजमेंट ट्रेनीज को सिखाया जाता है कि मार्जिन के बजाय ROI पर फोकस करो। इसका मतलब है कि कम मार्जिन रखो चलेगा, बट स्टॉक जल्दी जल्दी बिकना चाहिए। अब अगर वापस से हम रामू काका के एग्जांपल पे आ जाए
तो अगर वो अपने मार्जिन को 10 रुपए के बजाय 2 रुपए भी कर दे और 8 रुपए जो उनके पास बच रहा है उसको स्पेंड करे ब्रांड बिल्डिंग पे, प्राइसिंग पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो उनकी सेल्स अपने आप बूस्ट हो जाएगी। जब डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए विन विन सिचुएशन बनेगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग होगी, तो कंज्यूमर्स भी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे और वो 10,000 कस्टमर्स की जगह 1,00,000 कस्टमर्स तक भी पहुंच जाएगा। अब आते हैं लास्ट आर पे, जो है रिस्पेक्ट फॉर मनी। देखो, कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबल तब होगी जब उसकी जेब में पैसा आएगा, और जेब में पैसा कैसे आएगा? अपने मार्जिन बढ़ा के, ना ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को लॉस में डाल के, ना ही कस्टमर्स के साथ चीट करके। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रॉफिट बनता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस से, यानी अपने बिजनेस के इनर वर्किंग्स में, इनर जो वर्किंग होती है ना, वो कम से कम प्राइस में होना चाहिए। सो अगर मैं घड़ी बना रहा हूँ और घड़ी बनाने का कॉस्टिंग पे मैं काम करते जा रहा हूँ कि मेरी घड़ी जो बन रही है वो 10 रुपए के बजाय 2 रुपए में बनना चालू हो गई, तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होएगा। और यहीं पे आता है वो स्टार्टिंग का मिडिल क्लास मैनेजमेंट जो कंपनी कल्चर में होता है। जब वो लोग के अंदर फ्रुगैलिटी होती है तो वो लोग बहुत जगह से कॉस्ट बचा पाते हैं, जिसकी वजह से ही वो अच्छे प्रॉफिट भी निकाल पाते हैं। और ये एक सिंगल और रिलायबल तरीका है प्रॉफिट बनाने का। एक्चुअल की जो कॉस्ट एफिशिएंसी है ना, वो 2 इंपॉर्टेंट मेट्रिक से मेजर होती है। पहला, एम्प्लॉय कॉस्ट। एक्चुअल का जो एम्प्लॉय कॉस्ट है ना, उनकी टर्नओवर सिर्फ 4% है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज 7% है। सेकंड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। एचसीएल का जो ROCE है वो 92% है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था फैक्ट में, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज सिर्फ 33% है। ये पॉइंट क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि एचसीएल की जो कॉस्ट मैनेजमेंट है ना, बहुत ज़्यादा सॉलिड है। और ये हुआ कैसे? वेल, इसके पीछे 3 बड़े तरीके हैं। पहला, कंटिन्यूस चेंज। डॉक्टर सुंदाराम कहते हैं ना कि कॉन्स्टेंट चेंज जो होते रहते हैं उसमें कई सारे हिडन कॉस्ट होते हैं, तो इसलिए उन्हें वो चेंजेस को बहुत ज़्यादा चेक करते रहते हैं और वहाँ पे भी कॉस्ट रिडक्शन हमेशा करते रहते हैं। सेकंड, लार्जर वॉल्यूम्स। वो ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ खेलते हैं, जैसे कि आपके स्टार्टिंग में पॉइंट्स में भी बताया गया होगा, भले से प्रॉफिट कम आता है लेकिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में उनके प्रोडक्ट्स बिकेंगे, ये चीज़ से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। और ये सब चीज़ करने के लिए वो लोग वेरिएबल कॉस्ट, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें जिसमें खर्चे होते हैं, सैलरी, रेंट, ये सब चीज़ों को वो कम से कम रखते हैं, एफिशिएंसी लाते हैं उसमें बेसिकली। और लास्ट, प्रॉफिट फर्स्ट सिस्टम। हरीश मनवानी का एक प्रिंसिपल है कि पहले प्राइस और प्रॉफिट फिक्स करो, उसके बाद कॉस्ट और वेरिएबल को ट्रीट करो। यूजुअली क्या होता है, बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं, सारा काम वाम करते हैं उसके बाद प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो बोलते हैं नहीं, प्रॉफिट फर्स्ट अप्रोच आपको रखना चाहिए। आपको प्रॉफिट कितना कमाना है एटलीस्ट वो बिना ज़्यादा लालची हुए सेट कर लो, उसके बाद सारे वेरिएबल कॉस्ट ये सारी चीज़ें लगा के अपने प्राइसिंग भी डिसाइड करो, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। नाउ, प्रॉफिट फर्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है जो माइकी माइकलोविक्स ने लिखी है। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रॉफिट फर्स्ट, जो बिजनेस के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, जो ज़रूर आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए अगर आप एक एंटरप्रेनर बनना चाहते हो या ऑलरेडी हो, अगर आप चाहते हो मैं उसके ऊपर समरी बनाऊँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर भी एक समरी बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। अभी के लिए इतना ही। अगर आप ट्रांजेक्ट को यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी जाके आप देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी केस स्टडी में, बिजनेस की बातें सीखते हैं। टिल देन सब्सक्राइब करके रखना सीकेंड चैनल पे, मैं ऐसी अमेजिंग बुक्स की नॉलेज, मोमेंटस की नॉलेज आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। अनटिल देन, ज़ीशान इज साइनिंग ऑफ, बाय बाय। अच्छा हाँ, यूट्यूब को लगता है कि आपको ये वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी है, तो आप ये वीडियो भी देख लो।